जोहार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम, सलाम, नमस्ते। तो दोस्तों, मैं मतियस पहन, आप सबों का प्यारा दोस्त। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसा रेसिपी के बारे में बताऊंगा जो आप देख के और सुन के हैरान हो जाएंगे। ओके, जी हाँ, आपने सही सुना, आप देख के और सुन के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मैं जंगली आलू का एक ऐसा रेसिपी बनाने जा रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोग को देख के ना मुँह से पानी आ जाएगा। ओके दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए और इस प्रोसेस को आप लोग ए टू जेड समझिए और आप भी अपना घर में बनाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने 3 जंगली आलू लिया है। ये ऐसा जंगल में भी मिलता है और आजकल गांव देहात में भी खेती करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने 3 लिया है और इसको हम बढ़िया अच्छी तरह से 2-3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि ये मट्टी के अंदर होता है ना। तो फिर इसको मैंने 2-3 बार बढ़िया से धो लिया और इसको मैंने एक कुकर में डाल दिया और कुकर में दोस्तों थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको कवर कर लेना। ओके, मैंने कवर करके चूल्हा में चला दिया। दोस्तों, इसको अब 2 तक या फिर 2-3 ही पकाइएगा, नहीं तो फिर आपका गल जाएगा पूरी तरह से, आप बिल्कुल भी मिलेगा नहीं, पानी में घुल मिल जाएगा। ओके, मैक्सिमम इसको आप 3 ही बजाइए, 3 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं बजाना है। ओके दोस्तों, अगर 3 से ऊपर अगर आप कर दिए तो फिर आपका पूरी तरह से गल जाएगा। ओके दोस्तों, मैंने 3 कर लिया और ये मैंने इसका जो छिलका निकाल दिया है। ओके, छिलका निकाले और उसके बाद इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर यानी कि मकई का आटा इसमें थोड़ा सा मिला देंगे और उसके बाद थोड़ा सा चीनी मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने 50 ग्राम चीनी मिलाया और 100 ग्राम मैंने कॉर्नफ्लोर मिलाया। ओके, ज़्यादा नहीं डालना नहीं है इसमें और उसके बाद इसको बढ़िया अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना। ओके, तो दोस्तों मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको मिक्स कर लिया और इसको 10 रेस्ट देते हैं। ओके दोस्तों, 10 के बाद मैंने खोला और उसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया। दोस्तों, उसके बाद हाथ में थोड़ा सा मैंने तेल डाला और तेल डाल के ना इसका हम छोटा छोटा पूरियां बना लेंगे। ओके, तो इस तरह से मैं हाथ के हथेली के माध्यम से मैं इसको छोटा छोटा पूरियां बना लेते हैं। देखते हैं, ये आरसा रोटी की जैसा मैंने छोटा छोटा इसका पूरियां बना ले रहा हूँ। ओके गाइस, दोस्तों अगर आप लोग अभी तक मेरा फेसबुक पेज पर नए हैं और यूट्यूब चैनल में भी अगर आप नए हैं तो फिर मेरा फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के नए नए वीडियो और नए नए रेसिपी हर दिन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है और एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड किया, ज़्यादा भी नहीं है कि नहीं, पूरा तेल में फ्राई नहीं करना है। ओके गाइस, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और इसको दोस्तों थोड़ा सा तेल को गर्म होने देना है। अगर आप तेल को गर्म नहीं करे रहेंगे उस टाइम डाल देंगे ना तो फिर नीचे चिपक जाएगा। ओके, तो दोस्तों मैंने फर्स्ट टिप डाला था वो थोड़ा सा मेरा कोई ना चिपक रहा है क्योंकि मेरा तेल अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ था, है कि नहीं। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये मेरा चिपक गया है और ये यानी कि 2 मेरा चिपक गया है और बाकी तो बढ़िया तरीके से निकल गया। तो दोस्तों साइड में अच्छी तरह से हीट नहीं हुआ होगा इसलिए मेरा चिपक गया है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब इसको भी फ्राई कीजिएगा ना तो मीडियम फ्लेम जरूर इसका रखिएगा, ठीक है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं, नहीं तो फिर जल जाएगा। ओके गाइज, दोस्तों मैंने शुरू में डाला था वो मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, आप लोग देख रहे हैं ना, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन के तैयार हो गया है। तो चलिए दोस्तों, जितना बचा है उसको भी हम बना लेंगे और यानी कि फ्राई कर लेंगे। दोस्तों ये जितना बचा है यानी कि मेरा अभी 4 बचा है और चारों हम कढ़ाई में डाल देंगे। ओके गाइस, दोस्तों ये आपका 5 के अंदर आपका पक जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस तरह से। अब ये मेरा तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया ना, इसलिए ये आसान तरीके से मेरा पलटी हो रहा है। ओके गाइस, दोस्तों मैं ये बहुत ही आसान और बहुत ही सरल और बहुत ही कम समान में मैं आप लोगों की ये रेसिपी बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोग ना अपना घर में एक आध बार अवश्य ट्राई कीजिए ये रेसिपी, है कि नहीं, क्योंकि ये रेसिपी ना बहुत ही सरल है और सामान भी बहुत कम लगता है। ओके गाइस, दोस्तों अगर आप लोग अभी तक मेरा यानी कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस तरह के नए नए वीडियोस बनाने का मुझे और भी मौका दीजिए। ओके, तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को ये एक चीज़ यानी कि एक ठो मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगा, अंदर तक पका है नहीं पका है इसका आप लोग जानकारी मिल जाएगा। ओके दोस्तों, ये देख रहे हैं कितने मस्त और झकास लग रहा है कि नहीं। दोस्तों मैंने तोड़ के भी आप लोगों को दिखा दिया, ये बहुत ही अच्छी तरह से पका हुआ है कि नहीं। दोस्तों ये खाने में ना बहुत ही मज़ा आने वाला है, मीठा मीठा है कि नहीं। दोस्तों मैं आप लोगों को खा के भी दिखाऊंगा, तो दोस्तों ये मैं खा रहा हूँ कि नहीं, तो बहुत दोस्तों बहुत ही मज़ा आया। दोस्तों इस तरह से खाने में ना कितना मस्त लगता है। ओके, तो बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों मैं आप लोगों से इस वीडियो में इतना ही, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए टाटा बाय।